हेलो दोस्तों, आज कोई भी ब्लॉग नहीं है और ना ही कोई मेरा डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं डेली का, ना ही कोई मैं कोई रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज एक बहुत ही दुखद बड़ी घटना हुई है, आज नहीं हुई, बहुत ही दुख की बात है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये तो न्यूज़ सभी लोग के पास पहुँच गई होगी, सबने देख लिया होगा कि मालती चौहान को सभी लोग जानते होंगे, मैं भी जानती थी क्योंकि वो फेमस यूट्यूबर थी, रह चुकी थी। आज वो हमारे बीच नहीं है और इस दुनिया को छोड़ के चली गई हैं। और दुख की बात यह है, उनका छोटा सा बेटा है, अभी बहुत ही छोटा है, आप लोगों ने देखा ही है, बहुत छोटा है। तो क्योंकि बच्चे की परवरिश के लिए माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है कि माँ के बिना बच्चा घर में लाख फैमिली मेंबर हो, लाख लोग हो दुनिया में, लेकिन एक माँ की जगह कोई ले नहीं सकता है, माँ के जैसा बच्चे कोई पाल भी नहीं सकता है। और मालती चौहान जी के साथ ऐसा क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, पिछले दिनों से कुछ ऐसी वीडियोस मैंने देखे थे कि उनका अभी थोड़ा इशूज चल रहा था, झगड़े हो रहे थे, वो उनके अगेंस्ट वीडियो बना रहे थे, विष्णुराज मालती चौहान के अगेंस्ट वीडियो बना रहे थे। तो ऐसा था, मैं तो देखती थी, मैंने फॉलो कर रखा था उन्हें, इसलिए मुझे पता, इसलिए मैं जानती थी उनको, वरना मैं उतना जानती नहीं, क्योंकि मैंने फॉलो किया था। और ऐसा नहीं फॉलो किया था तो मैं हर एक वीडियो देखती थी, कभी कभी मन कर गया, आ गया, अगर स्क्रॉल कर रही हूँ वीडियो में आ गया तो देख ली। तो एक जानी मानी यूट्यूबर थी वो, फेस वैल्यू भी था और खासा परिवार भी, सब कुछ ठीक था। अब क्या हो गया भगवान जाने, उनके साथ किसी ने किया कि उन्होंने खुद कर लिया, ये तो नहीं पता, अब ये भगवान ही जाने, राम जाने, लेकिन जो भी हुआ ये अच्छी, बहुत ही दुख, किसने नहीं, किसी, सब लोग कह रहे हैं उनके हस्बैंड ने मारा, यानी विष्णुराज चौहान ने, कोई कहता है मालती चौहान ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या यानी सुसाइड कर ली। पर ये तो CID जांच के बाद ही, इन्वेस्टिगेशन के बाद मतलब पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। और उनके बेटे ने उनको मुखाग्नि दिया और मुझे तो बेटे पर ही बहुत तरस आ रहा था, बेचारा नादान ना, मतलब छोटा, उसे क्या पता क्या है क्या नहीं है। तो पर मालती चौहान जी ने ऐसा क्यों किया क्यों नहीं किया, पर ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्या बात है क्या नहीं, आगे की वीडियो में तो देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन हम सब पूरे YouTube फैमिली के लिए बहुत ही दुख की बात है कि एक जानी मानी मालती चौहान, जानी मानी यूट्यूबर का निधन हो गया। तो मैं भी सुनी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं मेरी दीदी ने मुझे बताया, फिर मैंने फटाफट से मोबाइल चालू किया और देखा तो सब पूरे दिन मैं देखती ही रह गई। मैं सच बताऊँ, आज मैंने कुछ काम थे जो अपने काम, वो पेंटिंग छोड़ दिया और स्टॉप कर दिया, और ये वीडियो लगातार सबका होता है ना, कुछ भी अगर सुनूँ देखूँ तो अजीब सा, मतलब शॉकिंग जैसा हो जाता है। तो देखो, मालती चौहान मुझे नहीं जानती थी क्योंकि मैं भाई छोटी यूट्यूबर हूँ, और मैं उनको जानती थी, उन्हें ऐसे भी कौन नहीं जानता है, जो लोग फॉलो कर रखे हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं भी कर रखे वो लोग भी जानते होंगे। तो एल्बम भी बनाती थी, आज तक जब मैं भी, जब से यूट्यूब पे आई हूँ, कभी भी मैंने किसी के बारे में, कोई भी हो कुछ भी हो, मैंने कभी वीडियो, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो देख के ना, मतलब ये न्यूज़ देख के मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा, मतलब दिल दहला देने वाली ये बात है कि शॉकिंग जैसा ये न्यूज़ आए कि अचानक ऐसा क्या हो गया, जबकि उन दोनों का झगड़ा हुआ, झगड़े तो चल रहे थे, बट जिस दिन वो आई, शायद उसी रात में ऐसा हुआ, लोग ऐसा कह रहे हैं न्यूज़ में, मैं भी देखी बता रही हूँ, मैं कोई कंफर्म नहीं हूँ, तो लोग ऐसा ही बोल रहे हैं, जिस दिन वो ससुराल आई उसी दिन रात को ऐसा हुआ। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे, और तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और आगे से अगर कोई सुसाइड करता है तो प्लीज़ वो सुसाइड ना करें, क्योंकि ज़िंदगी से हारना
ये बुजदिली होती है, जिंदगी को डट के जीना चाहिए। भगवान ने हमें जीवन दिया है, जीवन दान दिया, तो हमें अच्छे से जीना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बहुत ही दुख की बात है सर सुना मैंने तो।